हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर में मजे से होंगे और हमारी रेसिपीज को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपको हमारी रेसिपीज कैसे लगती हैं आप उनको कमेंट्स करके जरूर शेयर किया करें। चाहे आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, आप लिख के जरूर बताएं ताकि हमें भी पता लगे। और फिर चलते हैं अपनी किचन की ओर और आज की भी बहुत ही मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बना रहे हैं कैरी और प्याज का अचार। अचार तो सबको बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन कई अक्सर प्याज का अचार बनाते हैं उनकी यही शिकायत होती है कि थोड़े दिन बाद वो खराब हो जाता है। लेकिन आप इस वीडियो को अगर पूरी तरह फॉलो करेंगे, आपका एकदम परफेक्ट अचार बनेगा और एक साल तक खराब नहीं होगा। और इसको हमने कैरी के साथ बनाया है। कैरी भी आपको पता है सीजन में है, तो आप इसको बनाएंगे आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ली है 1/2 कप। मस्टर्ड ऑयल को आपने पहले जला लेना है, जब तक आप देखेंगे इसको धुआं ना आना शुरू हो जाए आप इसको कुक कर लें, फिर इसको आपने ठंडा कर देना है। तो हमने ऐसे ये स्टेप पहले ही कर लिया, हमने जला लिया था और ये ठंडा हो चुका है। अभी इसमें हमने 1 टीस्पून देगी मिर्च डालनी है, ये हम डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं अच्छे से। इससे क्या होगा, जो ऑयल है उसमें अच्छा कलर आ जाएगा। अचार बनाते टाइम आपने एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि आपके हाथ ज़रा भी गीले नहीं होने चाहिए और कोई भी जो आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं, स्पून्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी एकदम सूखे होने चाहिए। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसको साइड पे रखते हैं और आगे आपको बताते हैं क्या करना है। अब आगे हमने सबसे पहले अचार का मसाला बना के तैयार करना है। उसके लिए हमने पहले कुछ साबुत मसाले लिए हैं। कौन कौन से आप देखिए, 2 टेबलस्पून हमने सौंफ ली है। जो मोटी वाली सौंफ होती है वो आपने लेनी है, बारीक वाली नहीं लेनी। 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी। ये सारी चीज़ों को हमने पहले ड्राई रोस्ट करना है, तो वो हम करते हैं। अब आगे मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने पैन ले लिए, ये सारे मसाले डाल देते हैं जो हमने आपको साबुत दिखाए थे। और लो फ्लेम पे ही आपने इनको चलाते हुए रोस्ट करना है और तब तक ही आप इसको रोस्ट करेंगे जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। इस टाइम पे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर इनको हमने दरदरा पीस लेना है। फाइन आपने नहीं पीसना, दरदरा ही पीसना है। तो हम ये स्टेप कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे आप देखिए, हमने दरदरा पीस लिया मसालों को। अभी हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे, वो आप देखिए कौन से हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, ये हम डाल लेते हैं। और साथ ही इसमें पिसी हुई राई ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं। ये इजीली मिल जाती है मार्केट में, जहाँ से आप मसाले लेते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक बार। बाहर से आप कितना कॉस्टली परचेज करके आते हैं मसाला अचार का जो मिलता है, घर में आपको हमने बनाना सिखाया है, आप इजीली एकदम बना सकते हैं। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं आगे नेक्स्ट क्या करना है। अब आगे आप देखिए, हमने कैरी और प्याज का अचार डालना है। दोनों चीज़ें हमने ली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी है और प्याज है। 1/2 kg हमने दोनों क्वांटिटी ली है। इक्वल क्वांटिटी आप लें जब भी आप बना रहे हैं। तो आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो दोनों को आप डबल कर लें, और मसाला भी जो हमने आपको बताया और ऑयल जो बताया डबल कर लें। तो ये देखिए, हमने इनको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इनको छील लेना है। छीलने के बाद हमने दोबारा इनको धोया और फिर कट किया। ये आप देखिए, हमने कटिंग ऐसे करी है, लंबे लंबे हमने ऐसे कट कर दिए हैं अम्बी को। और प्याज आप देख सकते हैं हमने ऐसे कट किए हैं, खाने में थोड़े अच्छे लगते हैं बड़े पीसेस, इसलिए हमने ऐसे कट किए हैं। अक्सर क्या होता है, लोग प्याज का अचार डालते हैं तो उनका ख़राब हो जाता है, टिकता नहीं है ज़्यादा टाइम। लेकिन जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप ऐसे बनाएंगे, आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। एक साल तक ये ख़राब नहीं होगा अचार अगर आप ऐसे डालेंगे। और आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप अचार बना रहे हैं आपके हाथ एकदम सूखे होने चाहिए, बर्तन एकदम पूरा ड्राई होना चाहिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और पूरी आप देखें, इन दोनों को हमने 2 घंटा धूप लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप आपने लगानी है। आप ये ना करें कि पंखे के नीचे रख दें और आप देखें सूख गया फिर आप इसको अचार बनाना शुरू कर दें। हमने अच्छी धूप इसको लगानी है, पूरा ड्राई हो जाना चाहिए ये देखिए, क्योंकि ज़रा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो अचार सारा ख़राब हो जाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत भी ख़राब जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें अम्बी और प्याज को हमने अच्छे से 2 घंटे धूप लगा ली थी और ये पूरी तरह सूख चुके हैं। अब इसमें आगे हम ऐड करते हैं जो हमने मसाला बनाया था और जो हमने तेल बना के तैयार किया था मस्टर्ड ऑयल का, मिर्ची वाला।
चलिए मसाला डाल देते हैं। हमने खुले बर्तन में इसलिए लिए ताकि इजीली सब मिक्स हो जाए। और ये सरसों का तेल भी इसमें ऐड कर देते हैं, सारा हमने डाल देना है। अब मिक्स कर देते हैं अच्छे से इसको। अगर आप चाहें हाथ से मिक्स करना तो आप हाथ से मिक्स कर लें, हम करछी से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें हमने नहीं डाला है, फिर भी आप देखेंगे ये ख़राब नहीं होगा। अच्छे से सारे मसाले कोट हो जाने चाहिए प्याज और अंबी में। अंबी प्याज को प्रिजर्व करेगी, इसमें विटामिन सी आपको पता है भरपूर होता है। आपका ये अचार ज़रा भी ख़राब नहीं होगा, अगर आपने पूरे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करे हैं तो परफेक्ट एकदम रिजल्ट आएंगे आपके। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले डालते ही। अभी तो सीज़न है अंबी का, और प्याज भी गर्मियों में खाने में अच्छा होता है, आपको खाना चाहिए। आप ऐसे अचार बना के डालें। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हमने बर्नी में ट्रांसफ़र करना है, तो हम वो स्टेप करते हैं। अब आगे आप देखिए, अचार को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने कांच की बर्नी ली है। आपने प्लास्टिक की बर्नी यूज़ नहीं करनी, कांच की बर्नी लेनी है। इसको आपने अच्छे से गर्म पानी से धो लेना है और फिर धूप में इसको सुखाना है, और कोई आपने फिर गीले हाथ नहीं इसमें लगाने। तो चलिए अचार को डालते हैं इसमें। ये सारा अचार हमने बर्नी में ट्रांसफ़र कर दी है। अभी हमने इसका लिड लगाना है और इसको 3 दिन आपने धूप लगाना है। 3 दिन के बाद फिर हम आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट और भी जाएगा। ये अभी पूरी तरह बना नहीं है, तो फिर मिलेंगे आपको 3 दिन बाद और बताएंगे इसमें क्या जाएगा। 3 दिन हो गए हैं अचार को धूप लगाए हुए। चलिए अभी इसे खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हमने इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, हमने आपको बताया था 3 दिन बाद हम डालेंगे, तो वो हम ऐड कर देते हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें वाइट विनेगर ऐड करना है, ये हम डाल देते हैं। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। विनेगर डालने से ये प्रिजर्व भी होगा और इसमें फ्लेवर और ही अच्छा हो जाएगा। आपको ये अचार बहुत पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। और ध्यान आपने ये देना है, जो भी आप कच्ची चम्मच डाल रहे हैं एकदम सूखा हो, गीला अगर आप डाल देंगे तो आपका अचार सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा ये अचार बना है, सारे मसाले भी अच्छे से रच गए हैं इसमें। ये खाने के लिए इस टाइम एकदम तैयार हो गया। आप इसको परांठे के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और 1 साल तक ये ख़राब भी नहीं होगा। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।